और इस बीच आपको बता दें, कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। सुबह सुबह मुंबई से निकली थी, 7:30 बजे के आसपास हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जहां पर अब से बस कुछ ही देर पहले कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ यहां पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मुंबई में कंगना वर्सेज शिवसेना, लगभग 4-5 दिनों तक जो सियासी बवाल वहां पर मचा, उसकी एक एक खबर हमने आपको दिखाई, और उसके बाद कंगना रनौत अब पहुंच चुकी हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से वो निकलेंगी मनाली के लिए अपने घर। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, मुंबई में हमने देखा कि फिर किसी भी तरह की जो पहले आशंका थी कि हो सकता है किसी तरह का प्रोटेस्ट या फिर समर्थक उनके वहां पर देखने को मिले, चंडीगढ़ में क्या तस्वीरें कंगना के पहुंचने पर? देखिए बिल्कुल, कंगना रनौत अभी 2 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से बाहर आई है, और एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया का अभिवादन किया, और उसके बाद धीरे धीरे अभिवादन करते हुए वो अपनी कार में बैठ गई। इसके बाद वो सीधा मनाली का रुख रही हैं, और मनाली यहां से कम 6 घंटे का रास्ता है। हो सकता है वो रास्ते में रुकें या फिर अपने गांव धामला जो मंडी के करीब पड़ता है वहां पर आकर रुकें। सो कुल मिलाकर कंगना 6 दिन बाद आज चंडीगढ़ वापस लौटी है और सीधा यहां से मनाली की ओर रवाना हो गई है। कंगना 6 दिन पहले यहां से गई थी तो उनके चेहरे पे कुछ चिंता के भाव थे। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि उनको आतंकित करने की कोशिश की गई, वो भारी मन से मुंबई छोड़ रही हैं। इस दौरान उनका कार्यालय तोड़ने की कोशिश भी की गई और अब उनको मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि जो उन्होंने पीओके का रिमार्क दिया था वो बिल्कुल सही बैठा, क्योंकि इस दौरान उनके साथ बहुत कुछ हुआ और उनको आतंकित करने की कोशिश की गई। तो अब कंगना यहां से मनाली के लिए रवाना हो गई है और यहां से उनका काफिला 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ मनाली की ओर रवाना हो गया है। ओवर। वाई कैटेगरी की सुरक्षा यहां पर कंगना को मुहैया कराई गई। अब से कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट की लैंडिंग, उस वक्त की तस्वीरें, बहन रंगोली साथ में है, और ये जबरदस्त सुरक्षा का घेरा जो कंगना के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। उन्होंने वेव किया मीडिया कर्मियों को, और इस बीच हम आपको ये भी याद दिला दें कि जब कंगना यहां से रवाना हुई थी मुंबई के लिए तब भी उनके इर्द गिर्द इतनी सुरक्षा दिखाई दे रही थी। हालांकि जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कंगना हो सकता है कि अपने घर पहुंचने से पहले मंदिर में रुके एक बार फिर से, जैसे कि वो यहां से रवाना होने से पहले रुकी थी और भगवान का आशीर्वाद लिया था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि कंगना जो है वो पहुंच चुकी हैं चंडीगढ़, और वहां से अब मनाली वो बाय रोड जाएंगी। तो कंगना का ये महारण जारी है श्वेता, और हमने देखा भी है कि किस तरीके से कंगना लगातार मुखर रही है। आज भी फ्लाइट पर बैठने से पहले उन्होंने ट्वीट किया और एक बार फिर से मुंबई को पीओके बताया। बिल्कुल, और अपने बात पर बिल्कुल अडिग हैं। मुंबई में भी राज्यपाल से कल उनकी मुलाकात हुई, लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि अब शिवसेना के किसी भी नेता से कुछ पूछा जा रहा है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, खास करके संजय राउत की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में और भी कई मुद्दे हैं, इसलिए ये मुद्दा इतना अहम हमारे लिए नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम आज तक पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने आपको दिखाया था मुंबई में जब वो अपने आवास खार रोड में जो उनका घर है, मकान है, वहां से जब वो निकली थी तब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट की देख रहे हैं, और यहां से रवाना हो चुकी हैं कंगना अपनी बहन के साथ मनाली के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।